ब्रीथ और सेक्रेट गेम्स के बाद एक के बाद एक बहुत बढ़िया सीरीज आते गए और नंबर ऑफ सीरीज भी एक्सपोनेंशियली बढ़ी। तो इस वीडियो में हम 2019 और 20 में रिलीज हुई बेस्ट वेब सीरीज अकॉर्डिंग टू IMDb देखेंगे। हर एक वेब सीरीज की बस बेसिक थीम और एक दो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। रिस्क है तो इश्क है। देख मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूं। नंबर 20 पे है पाताल लोक विद 7.8 IMDb रेटिंग अवेलेबल ऑन Amazon प्राइम। इसमें इन्वेस्टिगेशन जो लेयर वाइज हमारे सामने आता है और मीडिया का पर्सपेक्टिव जो बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है, इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन इसको अगर 2-3 एपिसोड कम में बनाते तो शायद ये और इंटरेस्टिंग होती। नंबर 19 पे इनसाइड एज विद 8 IMDb रेटिंग अवेलेबल ऑन Amazon प्राइम। अगर आपको IPL कैसे चलता है, इसमें किसको कितना पैसा मिलता है या फिर फिक्सिंग वगैरह जो अक्सर हमारे सामने आते रहता है, इन चीज़ों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो ये सीरीज सिर्फ आपके लिए। इस शो को स्पेशल बनाता है एक्टर्स की लाजवाब एक्टिंग और स्टोरी जो हमें पूरी तरह इसमें हुक करके रखती है। नंबर 18 पे है लाखों में एक सीजन 2 विद 8 IMDb रेटिंग अवेलेबल ऑन Amazon प्राइम। मेडिकल फील्ड पे बहुत कम सीरीज या मूवीज बनी है और उनमें से ये अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज है, क्योंकि लगभग सभी में सिर्फ निगेटिविटी दिखाई जाती है। अगर आप सच में मेडिकल फील्ड की रियलिटी जानना चाहते हैं तो प्लीज इसको सच्चाई जानने के लिए एक बार जरूर देखिए। नंबर 17 पे क्रिमिनल जस्टिस विद 8.1 IMDb रेटिंग अवेलेबल ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। अगर आपके पास पेशेंस है तो ये सीरीज जो स्टार्ट से लेकर एंड तक हमें बांध के रखती है, जरूर आपकी फेवरेट में जगह बनाएगी। कोई धोखा नहीं दे रहा है, तू सबको दे रहा है। ये लड़का या तो बहुत ही चालाक है या एकदम बेवकूफ। नंबर 16 पे है 2020 की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज अनदेखी विद 8.2 IMDb रेटिंग अवेलेबल ऑन सोनी लिव। सीरीज एक क्राइम थ्रिलर है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह एक आम आदमी पैसे वालों का नौकर बन के रह जाता है। इसमें बहुत बढ़िया तरीके से डाला गया सस्पेंस और थ्रिल का खेल, जिसमें आपका अंदाजा हर बार गलत हो जाता है और अगला एपिसोड देखने पे आप मजबूर हो जाते हैं। आज फिर से चोरी हुई है। नंबर 15 पे गर्ल्स हॉस्टल विद 8.2 IMDb रेटिंग अवेलेबल ऑन TVF प्लेयर। ये मिनी सीरीज हमें बहुत बढ़िया तरीके से गर्ल्स की लाइफस्टाइल बताती है। हॉस्टल में होने वाली दोस्ती, दुश्मनी और प्यार, ये सभी आपको इसमें देखने मिलेगा। नंबर 14 पे है मेड इन हेवन विद 8 IMDb रेटिंग अवेलेबल ऑन Amazon प्राइम। ये मिक्सचर है नए और पुराने ख्यालात रखने वाले लोगों का। बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स को चुन चुन के निकाला है और उनपे पूरा फोकस किया गया। We're in service of the bride. इस लड़की से शादी करो। That girl needs to be pure. Pure. Like ghee. नंबर 13 पे है क्यूबिकल्स विद 8.3 IMDb रेटिंग अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड TVF प्लेयर। जब हम क्राइम थ्रिलर देख देख के थक जाते हैं तो ऐसी सीरीज हमारे लिए मास्टरपीस साबित होती है। लगभग सभी जगह 9-to-5 जॉब को बहुत कोसा जाता है, लेकिन उसे इस मिनी सीरीज में बहुत अच्छी तरीके से हमारे सामने रखा गया है। ये एक लाइट और हार्टवार्मिंग सीरीज है जो आपके चेहरे पे एक स्माइल जरूर लाएगी। स्कूल लाइफ हम सबके लिए बहुत स्पेशल है और अगर आप उस लाइफ को दोबारा जीना चाहते हैं तो आपके लिए 8.4 IMDb रेटिंग के साथ IMDb अवेलेबल ऑन MX प्लेयर। ये मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा क्योंकि इसमें आपको आपका पास दिखेगा। और फिर मैंने सुने वो शब्द जिसने न जाने कितने लड़कों का चित्र काटा। भाई तुझे देख रही थी। 2020 का सबसे बड़ा सरप्राइज निकल के आया है असुर विद 8.4 IMDb रेटिंग अवेलेबल ऑन वुड सिलेक्ट। इसमें दिखाई गई लेयर वाइज इन्वेस्टिगेशन तो धीरे धीरे हमारे सामने आती है। शुरुआत के कुछ एपिसोड्स जहाँ पे हमें विलन नहीं दिखाया गया और एंडिंग जो बहुत ही माइंड ब्लोइंग तरीके से हमारे सामने रखी गई है, ये सभी इस सीरीज को एक स्पेशल सीरीज बनाते हैं। गेम बहुत लंबा जाएगा लोगा, बहुत लंबा। नंबर 10 पे है बहुत ही डिस्टर्बिंग सीरीज 8.5 IMDb रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल दिल्ली क्राइम। ये सीरीज रिवॉल्व करती है अराउंड अ रेप इंसिडेंट। इसमें बहुत बढ़िया तरीके से पुलिस की स्ट्रॉन्ग साइड दिखाई गई है और आउटस्टैंडिंग डायरेक्शन ऑफ रिची मेहता एंड एक्टिंग ऑफ शेफाली शाह, जिसके वजह से हमारे दिल में पुलिस के लिए रिस्पेक्ट 100 टाइम्स बढ़ जाती है। एक माँ से, एक माँ की रिक्वेस्ट, प्रॉमिस कीजिए मुझे, उन सबको सिर्फ फांसी ही होगी। I promise. नंबर 9 पे है 8.6 IMDb रेटिंग के साथ फैमिली मैन अवेलेबल ऑन Amazon प्राइम। इसके बारे में क्या बताना है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी इसमें एक स्पाई की लाइफ दिखाई गई है जो अपने फैमिली और अपने काम को इक्वली बैलेंस करता है। अगर आप सच में एक क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। मैं
ये पिस्टल बाहर रख के तेरे पास आऊंगा। बहुत भरोसा करके अंदर आ रहा हूं। गलती से शूट मत कर देना। नंबर 8 पे है हॉस्टल डेज विद 8.6 आईएमडीबी रेटिंग, अवेलेबल ऑन अमेज़न प्राइम। ये बहुत बढ़िया तरीके से हमें हॉस्टल लाइफ दिखाती है, और अगर आप जिंदगी में कभी ना कभी हॉस्टल पे रहे होगे और ऊपर से अगर आप इंजीनियरिंग हॉस्टल में रहे होगे तो भाई साहब ये आपके लिए सुपर डुपर हाईली रिकमेंडेड सीरीज है, इसको आप एक बार जरूर देखना। अंकित पांडे सिविल 5500 दो। मैं क्यों दूं? नाम बताने के 5500? ऐसा क्या भाई तारे नाम में? नंबर 7 पे स्पेशल ऑप्स विद 8.6 आईएमडीबी रेटिंग, अवेलेबल ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। इस सीरीज का बजट मुझे पता नहीं, लेकिन किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से हमें लोकेशंस दिखाए गए हैं, जिसमें चार चांद लगाते के मेनन सर की एक्टिंग और ऑब्वियसली इसकी स्टोरी। अगर आप बेबी और स्पेशल 26 जैसी मूवीज के फैंस हैं तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको उससे 100 टाइम्स ज्यादा मजा आएगा। पहली बार पॉप और क्लासिकल में प्यार होगा, और इस प्यार का नाम है बंदिश बैंडिट्स। नंबर 6 पे है बंदिश बैंडिट्स विद 8.7 आईएमडीबी रेटिंग, अवेलेबल ऑन अमेज़न प्राइम। कहानी है दो सिंगर्स की जिनकी बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनैलिटी है। एक आता है क्लासिकल टाइप से और एक आती है मॉडर्न टाइप से, और फिर इन दोनों की इनक्रेडिबल जर्नी हमें इस मूवी में दिखाई गई है। इस सीरीज में बहुत बढ़िया बढ़िया गाने भी डाले गए जो हमें इस सीरीज में पकड़ के रखती है। नंबर 5 पे 8.7 आईएमडीबी रेटिंग के साथ पंचायत, अवेलेबल ऑन अमेज़न प्राइम। कहानी एक इंजीनियर ग्रेजुएट की है जिसे यूपी के एक रिमोट विलेज के पंचायत में सेक्रेटरी का जॉब मिलता है। इस सीरीज में आपको एक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर, धूम धड़ाका कुछ भी देखने नहीं मिलेगा, फिर भी आप इस सीरीज से चिपक के रहोगे ओनली बिकॉज ऑफ इसकी सिनेमेटोग्राफी और टीवीएफ वालों का जादू, और कुछ बता नहीं सकता यार। नंबर 4 पे फ्लेम्स विद 9 आईएमडीबी रेटिंग, अवेलेबल ऑन टीवीएफ प्ले एंड एमएक्स प्लेयर। ये सीरीज इतनी रिलेटेबल थी कि लिटरली ये हमें 11 12th के टाइम में फ्लैशबैक में लेके गई। आपका पहला क्रश, पहली दोस्ती, ये सब कुछ आपको याद दिला देगी। नंबर 2 पे है गुल्लक विद 9.1 आईएमडीबी रेटिंग, अवेलेबल ऑन सोनी लिव ऐप। अगर आप अपनी लाइफ से त्रस्त है तो इस सीरीज को एक बार जरूर देखना, बहुत रिलेटेबल ये सीरीज। आपके चेहरे पे एक स्माइल लाएगी और आपको रियलाइज कराएगी कि यू आर वेरी लकी टू हैव सच अ फैमिली। अगर तुम्हारी चड्डी फिर से वॉशिंग मशीन में दिखी तो चीर देंगे। नंबर 2 पे सीरीज नहीं इमोशन है भाई, कोटा फैक्ट्री विद 9.1 आईएमडीबी रेटिंग, अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड टीवीएफ प्ले ऐप। अगर आपको सीरीज का सच में शौक है और आपने अब तक इसे नहीं देखा तो भाई साहब क्या कर रहे हो। इसकी बहुत ही डिफरेंट सिनेमेटोग्राफी, रिलेटेबल स्टोरी, बैकग्राउंड स्कोर सभी एक से बढ़कर एक है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये टीवीएफ वालों ने बनाया तो इसे मास्टरपीस बनना ही है। हर्षद शांतिलाल मेहता बिग बुल। नंबर 1 पे है स्कैम 1992 विद 9.6 आईएमडीबी रेटिंग, अवेलेबल ऑन सोनी लिव ऐप। भाई साहब 2020 नहीं, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट इंडियन सीरीज है ये। बहुत न्यूट्रलाइज्ड ये सीरीज आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताती है हर्षद मेहता के बारे में, और लिटरली बता रहा हूँ ये सीरीज देखने के बाद मैं सबसे पहले गया अपना आईएमडीबी पे अकाउंट बनाया और इस सीरीज को 10 में से 10 स्टार दे दिए। जब जेब में मनी हो तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी एस्ट्रोलॉजी है।